शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम ने जारी किया हुआ है नंबर ताकि वो बता सके बेसहारा गोवंशियों से होने वाले परेशानी के बारे में। 6 दिन में आई 700 शिकायतें, लेकिन सिर्फ 35 शिकायतों का हो सका है समाधान। रोज पकड़े जा रहे हैं सिर्फ 20 गोवंशी। बाइक सवार दो बदमाशों ने सतकरतार कॉलोनी में एक्टिवा सवार महिला से झपटी, सोने की चैन सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दोनों बदमाशों ने पहन रखे थे हेलमेट। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए आरोपित हवलदार ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, 14 मार्च को होगी सुनवाई। पानीपत थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में युवक ने खाली मकान में फांसी का फंदा लगाकर दी जान। 1 महीने पहले ही कनाडा से लौटा था युवक। थर्मल चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा शव। एकता विहार कॉलोनी में मानसिक रूप से परेशान नवविवाहिता ने घर पर लगाया फांसी का फंदा। थाना चांदनीबाग पुलिस ने बताया कि बच्ची खेलने गई तो पता चला हादसे के बारे में। हालीपार की झील में पानी लाने के लिए नगर निगम टेंडर लगाने की तैयारी में, इसके लिए तैयार किया जा रहा है प्लान। सही3 की टीम ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइकें की बरामद। एसपी शशांक कुमार सावन के मार्गदर्शन में पानीपत पुलिस का नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार। 45 किलो 400 ग्राम गांजा पत्ती सहित कार सवार नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पानीपत के तहसील कैंप मोड़ स्थित जागरण पार्टी कार्यालय का बोर्ड उतारते वक्त कलाकार आया हाईटेंशन तारों की चपेट में, कलाकार की हुई मौत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वैसे पानीपत के साथ नमस्कार। Life will be shining, you'll have a better future, and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining.